आरजीकर अस्पताल की इस घटना ने पूरी दुनिया में आक्रोश पैदा कर दिया है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि जिसने भी जघन्य अपराध किया है उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। वेस्ट बंगाल में सैकड़ों ऑटोमोबाइल फोरम के मेंबरानों ने तेज बारिश की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सभी ने रैली में शिरकत करके वी वॉन्ट जस्टिस का नारा लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए सभी ने तेज बारिश की परवाह किए बिना पूरी जोश खरोश के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका मकसद एक ही है, हाल ही में आरजीकर अस्पताल में रेप की घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाया जाए। आइए अब सुनते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है। कहना यह है कि हम कौन होते हैं उसको इंसाफ दिलाने वाले, हम तो उसके दुख में शरीक हैं कि हमारे बीच से एक छोटी सी बिटिया, 31 साल की बिटिया, वो आज अकस्मात दुनिया से, उसका क्या दोष था, उसने क्या पाप किया था, उसने क्या गलती की थी कि उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, क्यों उसकी हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा राज है जो राज अभी 10 दिन में नहीं खुला, 9 तारीख को उसकी हत्या हुई, आज कितना 20 तारीख, 21 तारीख है, बोलिए 12 दिन के अंदर अगर कोई भी मतलब एक हत्याकांड की गुत्थी नहीं अगर सुलझी तो ये हमारे प्रशासन की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं तो एक लकुना है। आज आप बताइए अगर पुलिस या CBI या किसी भी तरह की मतलब सरकारी संस्था अगर वो जागरूक हो जाए तो ये हत्या तो बहुत दूर की बात है, मंदिर के बाहर से कोई चप्पल नहीं चुरा सकता, तो फिर ये इतनी बड़ी हत्या कैसे हुई। तो हमारे ये जो हत्या के पीछे क्या राज है, क्या कहानी है, ये जल्द से जल्द उजागर होनी चाहिए। हम सब ऑटोमोबाइल फोरम के भाई बहन सरकार से, प्रशासन से सबसे विनती करते हैं, जागो, उठो और बताओ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग अंदर से रो रहे हैं। चाहे ये सामने प्रोटेस्ट करें या हम लोग ये बारिश में भीगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, जाने वाली तो चली गई लेकिन हमारी संवेदनाएं, हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत आगे किसी को और ना जाने दे। इसके लिए हम लोग जाग गए हैं कि लोगों को ये पता लगे कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करे या किसी ने भी ऐसी हरकत किसी भी मतलब जो है मासूम के साथ की तो भारत की जनता, बंगाल की जनता छोड़ेगी नहीं उसको, उसको वहीं से वहीं सड़क पे उतर के उसका जो भी मतलब फैसला होगा प्रशासन से तुरंत मांगेगी। आप लोग की मांग क्या है? दोषी को फांसी, अविलंब फांसी, कैपिटल पनिशमेंट, दोषी को अविलंब फांसी। सीबीआई एक सप्ताह से इस मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक कुछ भी नया पहलू समझ में नहीं आ रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते इसे, ये चाहे तो 2 घंटे के अंदर हत्यारा पकड़ ले, ये इसके पीछे क्या कहानी है हमें, क्योंकि हम तो आम जनता है, हम तो बिजनेसमैन है, हमें नहीं मालूम बट हम जानना चाहते हैं और उस दोषी को सजा मिले। ये हम तहे दिल से, हमारी पूरी एसोसिएशन और सारी जनता, पूरे विश्व की जनता यही चाहती है। सर देखा गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है कि सुबह का यह मामला और इतने देर के बाद FIR करना, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस की नेग्लिजेंसी देखी गई है। कम से कम वो मतलब उस कुर्सी पे बैठे हमारे हुक्मरान जो जज साहब लोग, उनके अंदर ये भावना तो जागी, उन लोगों ने तुरंत इस छोटी से छोटी कड़ी को पकड़ा और उनके छोटी से छोटी कड़ी को पकड़ने के बाद प्रशासन अब चुस्त दुरुस्त होने में लग गया है। इतने दिन तक कहाँ थे सब कि किसी के मुंह में कोई जबान भी नहीं थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब एक्शन में आई तो अब सब लोग मतलब एक्शन में आ गए हैं। सर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब शर्मनाक घिनौने, इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। उस लड़की ने कितनी पीड़ा झेली होगी ये हम में से कोई नहीं जानता है, बट वो जो पीड़ा झेली है वो अगर पीड़ा किसी भी घर की माँ, बहन, बेटी के साथ अगर हो तो उसका खून खोल जाएगा और वो तुरंत
पहले जो है उस पहले उस उन लोगों को ख़त्म करने पे तुल जाएगा, बिकॉज उसने जरूर कुछ भयंकर ऐसा झेला है जो किसी को नहीं मालूम, जो अभी तक खुल के सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया। इतनी बारिश में कोई हटा नहीं, भींग चुका है, लेकिन आप लोग का जो हौसला है बुलंद है, क्या कहेंगे? देखिए, हौसला तो बेशक बुलंद रहेगा, और सिर्फ हौसला कार डीलर्स का नहीं, आप देखें छात्राएं भी सड़कों पर है, लॉयर्स भी सड़कों पर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, जितने भी आम जनता है सबको सड़कों पे, और सबको एक ही वांट कर रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो अपर हाउस के हो या लोअर हाउस के हो, लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, इनके हाथ में हम सिर्फ कैंडल जलाते रह जाएंगे। एक बार आप मुजरिम को भी जला के देखो, कैंडल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि हम और आप गुहार लगा सकते, अपील कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कानून नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ तीन काम आप करें, एक आप बिल लेकर के आए, दूसरा उस बिल को पास करे, तीसरा उसको आप एक्ट बनाए, और चौथा उसको सजाए मौत दे, जो कैपिटल पनिशमेंट की बात पूरी दुनिया और देश से हो रही है। मैं एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे अपोजिशन लीडर हो या रूलिंग लीडर हो, सबका फर्ज बनता है कि एक बिल लाए, और मैं गारंटी के साथ और दावा के साथ और पूरे होश आवाज में जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि मुल्क भारत को आज़ाद हुए 78वां आज़ादी हम लोग मना लिए हैं, पहला बिल आएगा पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी से लेकर अपोजिशन का नेता और जिनके एक मेंबर है या दो मेंबर है वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, और जो लोग भी सपोर्ट नहीं करेगा इस बिल को, उनका पर्सनल चरित्र और आइडेंटिटी जो है पूरे जनता के सामने आ जाएगी कि आपका करनी कुछ है और कथनी कुछ है। आप सड़क पे कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में जब बिल पास होता है तब आप वहां पे बैकआउट करते हैं और आप उसको पास नहीं करते। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप बिल लाए, उसको पास करें, उसको एक्ट बनाए और कैपिटल पनिशमेंट दे। एक पोस्ट काफी ट्रेंड में वायरल हो रहा है कि जहाँ पे हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी कंट्रियों में ये रेप के ऊपर में किस तरह सजा दी जाती है, जैसे कि सऊदी अरब में गला उतार दिया जाता है, इस तरह का अगर कहीं ना कहीं ये अगर किसी दोषी को अगर सजा मिल जाए, अगर रफ एंड टफ सजा मिले, तो क्या लग रहा है कि रेप पे क्या थोड़ी सी कमी? देखिए, आपने शब्बीर साहब बहुत अच्छी आपने सवाल करा। देखिए, एक ही बात है, सऊदी अरब में एक अलग कानून चलता है और हिंदुस्तान मुल्क भारत में अलग कानून चलता है। मुल्क भारत चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए और बढ़ता रेप केसेस जो मुल्क भारत में बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ शेर के जरिए से, कि जालिम का कोई मददगार नहीं होगा, हैवानियत का कोई तरफदार नहीं होगा, और मुल्क भारत में इस्लाम का सिर्फ एक ही कानून ला के देखिए साहब, मुल्क भारत में फिर कोई दूसरा बलात्कार नहीं होगा। हमारा ये प्रोटेस्ट ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी गुनहगार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और एक विनम्र निवेदन है, सुरक्षित करो नारी, हम रहेंगे सरकार के आभारी। यही सिंपल बात है, यही सिंपल लॉजिक है, आप नारी सुरक्षा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, पहले जब तक ये केस नहीं पता था तब तक हम लोग कोलकाता में अच्छे से चलते थे, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबको अच्छे से चलते हैं, सबको हम लोग कहीं पे क्या, अब तो कैब्स में चलने में, बस में, अगर बस में सिर्फ लड़के ही हैं तो डर लग रहा है, कैब में हम लोग लोकेशन देखते रह रहे हैं ऑल टाइम कि मतलब सही जा रहे हैं कि नहीं, और रास्ते में भी डर लग रहा है, 7 बजे के बाद जैसे अंधेरा हो रहा है उसके बाद डर लग रहा है, इवन कि अपने घर में भी डर लग रहा है, अपने घर में भी डर लग रहा है, अपने वर्क प्लेस में डर लग रहा है, कहीं पर भी अब सेफ्टी नहीं हम लोगों को, मतलब एक तरह से हो गया कि मतलब अपने ही जगह पे, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर के आसपास हम लोग सेफ नहीं है ऐसा सिचुएशन सुनने के बाद। तो क्या मांग करती है? ऑब्वियसली हम लोग ये मांग करते हैं कि जिसके जिनके साथ ये हुआ है वो उनको जस्टिस मिले, और साथ में हम लोग क्या सजा होना चाहिए? ऑब्वियसली फांसी एंड ये भी होना चाहिए कि उन्होंने जितना दर्द उनको दिया है सेम उनको मिलना चाहिए, इतनी जल्दी आराम से उनको बस फांसी देके नहीं मरना चाहिए, चौराहे पे लटका देना चाहिए, साथ चौराहे पे लटका देना चाहिए, सारी आम जनता के सामने ऐसे रेपिस्ट, मर्डरर, जघन्य हत्यारों को पहले सारी जनता के सामने, आवाम के सामने चौराहे पे खंबे से लटका के उसको उड़ा देना चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहे में बांध के पब्लिक को बोलना चाहिए पत्थर मार के उनको मारने के लिए, तब उनको दर्द समझ में आएगा कि दूसरे किसी भी औरत, लड़की, बच्ची की तरफ आंख उठा के ना देख सके। यही हमारा दावा है, यही हमारा ये, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा गल्फ कंट्री में। क्या चाहते हैं आप लोग, भारत की जनता क्या चाहती है रेप घटनाओं को लेकर? भारत की जनता तो अब एक ही मांग कर रही है कि हमें जस्टिस मिले, एंड जो डॉक्टर के पास जाके सब कोई अपना हेल्थ ठीक कराते हैं या फिर कोई भी हालत सिचुएशन खराब होता है उनके शरीर में तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर लोग कैसे हेल्प करेंगे पब्लिक का? मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ है और न्याय मिलना चाहिए, और बहुत जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, और पूरी जनता
पूरी जनता नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है, रास्ते पर उतर गए, किसी को कुछ नहीं पड़ा था। हम लोग आज बारिश में भीग के प्रोटेस्ट करने चले हैं, लेकिन अपने काम वाम सब कुछ बंद करके कि हमें न्याय मिले। हम एक आम जनता है, हमें न्याय मिले। हम एहसान नहीं कर रहे उस बच्ची पे, हम अपने दिल का दर्द व्यक्त कर रहे हैं और ये मैसेज सारे लोगों को, सारे भारत की जनता को बोल रहे हैं कि किसी भी लड़की के साथ अत्याचार होता देखो खड़े हो जाओ, मुंह घुमा के मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे एक आदमी के मुंह घुमाने से वो रेपिस्ट हत्यारों गुंडों उनका साहस बढ़ता है। चाहे तुम्हें चोट लगे, चाहे तुम्हारी खुद की मौत हो, लेकिन उस बच्ची को कम से कम बचा लो। है अत्याचार है, घोर विरोधाभास होना चाहिए। और ऐसे मतलब जो है गुंडों को, कातिलों को, सच में मैंने जो पहले कहा था, चौराहे पे खंभे से लटका के गोली मार देनी चाहिए। ये हमारा देश एक लोकतंत्र है, थोड़ी सी देर करता है, लेकिन उस देर को मतलब जल्दी में बदलना चाहिए।